रहा मैं यहाँ से लेकर सिर्फ ये नहीं छेड़ रहा मैं। कहाँ आपको टहना चाहिए, कहाँ आपको कहाँ ग्रोथ चाहिए? अगर मेरे हिसाब से मेरा पेड़ होता तो इसमें मेरे को ग्रोथ ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जब एक भी फसल लगेगी तो यहाँ पहुंचेगा पूरा ना। फसल ऐसी लगनी चाहिए सिर्फ यहाँ, ये फसल लगी है, ये आपके रॉयल में फसल लगनी चाहिए, तब मजा। मतलब कि इस टहने टहने में वहां से लेकर दो तीन पेटी होनी चाहिए, तब मजा फसल का। अब इस टहने में ये बहुत दूर जा रहा है, अब इसको आप बीमे से नहीं काट सकते, यहाँ से काट दिया ना मैनेजर से तो ग्रोथ में चल जाएगा। सिर्फ उस बीमे से काट सकते हैं जिसमें सेब लगाओ, सेब लगाओ तब वो ग्रोथ में जाएगा। या फिर थोड़ी लंबी टहनी जैसी है, मान लिया मैंने यहाँ से काट दिया या यहाँ से काट दिया, ये क्यों काट रहा हूँ मैं? ताकि अंदर की धूप ना रुके, इसमें कुछ नहीं छेड़ना। ये भी बहुत बड़ा चला गया, कहीं से भी काट दो बीमे से। मालिक साहब आ गया हो ये दूसरी बात, ये गलत सोच हमारी थी पहले, दो तीन पेड़ बनाओ पहले। हाँ जी, पेड़ तो बीमारियां खत्म कर रही है, तब तो मर चला जानी हमारी। जब को आपने पहली फसल लेनी ना, तब तक मैं पेड़ से 3-4 लाख रुपए ले चुका था, एक पेड़ की बात कर रहा हूं 15 साल। उसके बाद सूख भी जाए क्या फर्क पड़ा, कमाते नहीं, सूखता नहीं है यहाँ तो, सूखने का मतलब नहीं बनता। अगर सूख भी जाए उसके बाद तो क्या फर्क पड़ा बोलो ना, आपने 15 साल बाद पहली फसल, इससे क्या होगा कि कमजोर होगा लचके घटाना। ये नजदीक वाले काटी लेने जो आपको लगता है ये रिंग खुला छोड़ा था, देखो बीमा बना ये रिंग है, इसमें भी रिंग है, ये 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 भी रिंग है। थोड़ा सा बड़ा दायरा बनाएंगे आप लोग, इसमें इसको आप कहीं से भी काट सकते हैं, जहाँ भी आपको लगता है लास्ट में पीछे निकालना, मतलब आप इसको अभी निकाल सकते हैं, क्योंकि आटोटा नहीं है। ये देखना कि बहुत मोटा काटोगे तो वो ताकत कहाँ जाएगी, ग्रोथ में नहीं जानी चाहिए बस, ये होगा ना। इसमें भी देंगे, देखो ये भी देंगे, ये भी देंगे, रिंग कट मारना, वो मारना दूसरे साल पहले साल जब थ्री शूट रख के तब जाते मारना। आप देखिए यहाँ सेब लगा, जैसे यहाँ सेब लगा है तो मैं यहाँ से काट सकता हूँ, ये पक्का बीम हो गया। ये हमने बीमा नजदीक लाना मोटे टहने के, क्योंकि सेब मोटे टहने के पास होता है, मतलब कि आपके ऐसे बीमे होने चाहिए रॉयल के पेड़ में, जैसे मैं इस पे इस टहने में, तब मजा है सेब का। अच्छा जैसे ये यहाँ तो रिंग है, ये सारी रिंग है, अब ये हमेशा ग्रोथ होगी इसकी हमेशा के लिए, फल लेते रहेगा सर ये, और ये जिंदगी में फल देंगे। सिर्फ थोड़े बीमे ज्यादा आएंगे, जैसे एक फल लगा दो बीमे बनेंगे वहाँ, अगर ग्रोथ नहीं होगी वहाँ तब। बाकी आपका एक बार एंड में क्या होगा, यहाँ चाहिए इतना सिर्फ, जब फसल लग जाएगी झुक जाएगा यहाँ पीछे बीमा खुलेगा तो इतना सा रखाएं ताकि धूप अंदर तक पहुँचे। चोटी हमने सिंगल रखी है, सीधी जा रही है, सब सीधी जा रही है हमारी। अब मैं हेड बैग तो नहीं दे रहा, ये कहना जब नीचे आएगा इसके बाद जगह ही नहीं पेड़ के पास, तो मेरे को यहाँ ग्रोथ नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ऐसे रखना, अब मेरी ग्रोथ कहाँ जाएगी, वो बीच की बर्फ नीचे गिर दी है, नहीं तो आपके एक जाल बनना। अब ये टहन देखो, इसमें कुछ मुश्किल लगा आपको, ये तो कटेगा ना पीछे, काटा मैंने, क्या मुश्किल किसी ये टॉप रहने दी इसका, इस इसलिए रहने दिया क्योंकि मेरे को ग्रोथ नहीं चाहिए। अब अगर ग्रोथ चाहिए होती तो हेड बैग था, ग्रोथ रुक जाएगी, रुक गया है। अगर इसमें एक फसल लगी तो नहीं आ जाएगा, उसने अपनी जगह ले ली, जहाँ तक इसके बाद जगह नहीं, आगे तो देनी पड़ेगी इसको, नहीं नहीं आगे तब, अगर आपको वहाँ ग्रोथ चाहिए तो, अगर जगह है, अगर जगह है, अरे इसमें कटनी चाहिए, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बाद में से। मेरे को 20 साल हो गए, नहीं 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 ऐसे रखेंगे इसको, 20 साल हो गए मेरे को, मतलब बीमा बनते रहेगी इसमें आगे तक, आगे तक आगे नहीं जाना, थोड़ी ग्रोथ हो गई नहीं, छोटी में एक आधा फुट ग्रोथ भी होगी, पीछे जाना इसमें, मतलब अब इसमें क्या ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, जो ग्रोथ की ताकत है वो कहाँ जाएगी, पीछे वापस, फिर तो अपनी ताकत लगेगा। वो जो ये खाली है ना आपकी वाले, ये भर आगे जाता है ना कटिंग के लिए, कोई बात नहीं, स्पीड रखो, अगर इसमें
20 पेटी सेब की निकल रही है, 40 लाख का सेब हो रहा है, आप बोलेंगे मैं तो ऊपर से झूला भी लगा दूंगा। सीधी सी बात है। और वो नहीं सोचता जब आप सेब तोड़ने जा रहे हैं कि अभी मैं टूटा या टूटा। अब बात कहाँ आती, मान लिया तना यहाँ होता ऐसा भी होता, ये देखना टूटा नीचे जहाँ से टूटेगा वहाँ से चल रहा है। जैसे फल निकालते हैं, फल लोग सिस्टम है, सारे में कलर आया क्योंकि धूप अंदर तक पहुँचती है। जैसे आपको छुट्टी मिलेंगे वैसे निकली होगा, ये धूप पहुँची, अभी धूप नहीं पहुँची, टीका जाए तो कितनी, जब इसमें पत्ते आएंगे ये टहनी यहाँ तक फैल जाएगी, धूप नहीं पहुँची, धूप नहीं पहुँचेगी तो कलर नहीं आएगी। और अगर इसमें एक ढंग की फसल लग जाएगी ना, जितनी भी टहने खड़े ना ऐसे हो जाएंगे, झुक जाएंगे ना, तो फिर इसमें धूप पहुँचेगी। और फिर ये है जी सिस्टम। अब और बोलो आप। और कोई कारण नहीं है फिर। अब इसका क्या है, इसका ये इलाज है कि छिलका निकाल दोगे तो साफ हो जाएगा, और अब फूल की कटनी मारोगे तो ठीक हो जाएगा। ये तो सूख गया ना, ये वाला ही नहीं, फिर भी पापड़ी निकाल, ये पापड़ी निकाल लो। अगर कोई आ रहे हैं ना अभी, जैसे आपने बताया कि खुद से बनाई है, फिर इसका क्या समाधान होगा? ये ठीक हो जाएगा अगले साल अगर फूल की कटनी मारोगे आप। ये मैक्सिमम आते सर ये ना, इसलिए आ रहे ना अपने कटिंग कटिंग कर ना। और सबसे ज्यादा उसमें अगर क्रिसमस में सबसे बढ़िया कुर्सी बनाई है आपने, हां जी मेरे पेड़ में यहाँ से लेकर इस लीडर में चोटी तक कम से कम 2-5 सेब होती है। आप एक दाना भी निकाल रहे? नहीं निकाल रहे, बोल रहा हूँ क्या बोलना चाह रहे कर रहे ऊपर तक देखो वो आपने देखा है। और इसमें अगर टहनी बना रहे अब तो बनानी पड़ेगी मजबूरी है क्योंकि बना दिया पेड़ आपने साथ। ये काट दूंगा मैं टोटल, ऊपर सिंगल करूंगा, ए टोटे चला गया। अब इसको सीधा करना पड़ेगा, और सीधे होने के लिए अगर इसको सीधा करना है तो इसमें नहीं सीधा कर सकता मैं क्योंकि टहनी वही चीज़ सीधी जा रही है। फिर अब मैं इसमें हेडबैक दे दूंगा एक बार ताकि सीधा होकर गाठ ग्रोथ में आगे सारा ठीक हो जाएगा। ये सारे मैं काट दूंगा, ये सिर्फ फसल की लगते हैं, ये रिंग है, ये रिंग है, ये फसल की लगता है। अच्छा, कई बार इस रिंग से जैसे मजबूत है 2-3 टहनियाँ निकलेगी, उसमें जो सबसे कमजोर होगी ना वो रखनी है, अगले साल फिर वो बाकी काट देंगे। अच्छा, जो कमजोर होगी बीमा हमेशा कमजोर में बनता है ना, कमजोर में बीमा कमजोर में बनता है, मजबूत में नहीं बनता। मजबूत निकाल देनी, मजबूत निकाल देनी ताकि वो बीमा ही बना रहे बस। अभी भी बहुत दूर जा रही है, ये भी निकालूंगा मैं, ये भी निकालूंगा, बस हो गया। वैसे जबकि मेन टहनी ये थी, इसमें अगर टहना निकालना है तो इधर की चाहिए सारे, क्योंकि ये क्रॉस में धूप रोक सारी टहनी। अगर आपके सीधे खेत में रूट होता तो क्या करना, मैं जब तौलिया करता ना इसके चारों साइड नाली बना दो ताकि पानी साइड से बाहर निकल जाए, नहीं तो ऊपर से शुरू होगा रूट रॉट नीचे तक जाएगा अगर होगा तो। जैसे तौली बना दी ना, सिर्फ नाली बनानी है एक बार का बाहर सीधी जमीन पे सर, ताकि पानी बाहर से निकल जाए, टेढ़ी जमीन में सर, टेढ़ी जा जा तौलिया उतना ही बस, टेढ़ी में भी सीधी जा भी है जो तो बहुत है, उसमें तो जरूरत नहीं होती, उसमें रूट रॉट लगता। ताकि वो कल को मैं झुका सकूं पेड़ ना खा जाए, ताकि पेड़ ना खा जाए दूसरी बात है। अब ये कलम की 3 साल हो गए कुछ नहीं आया, अगर मैंने ऐसे पेड़ों में कलम करनी है तो इसमें क्या होगा, यहाँ 2-3 टन ग्रोथ हो जाएगी इसमें देखो कौन कौन सा कॉम्पिटिशन जो इसके साथ जो खड़ा हुआ है ऊपर को जो है साइड को उससे नहीं फर्क पड़ता।
ज्यादा जानकारी के लिए आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से टॉक एप्पल ऐप डाउनलोड करके टॉक एप्पल कम्युनिटी मेंबर्स से चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।